प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 संस्कृत साहित्य विषय में पिछले वीडियो में हमने समास प्रकरण प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हमने पहला जो हमारा समास का भाग था केवल समास उसको देखा। द्वितीय नंबर पर हमने देखा अव्यभाव समास, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। आज हम अव्यभाव समास को और इसके अगले जो भाग होंगे उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल के वीडियो में आपने देखा होगा अव्यभाव जो समास है उसकी परिभाषा में हमने देखा था कि पूर्व पद प्रधान अव्यभाव समास होता है, अर्थात उसका पहला पद जो होता है वो प्रमुख होता है, क्योंकि अव्यभाव समास का पहला पद हमेशा अव्यय होता है। लेकिन जब उसका विग्रह हम लोग करते हैं तो अव्यभाव समास का जो प्रथम पद अव्यय होता है उसका अर्थ विग्रह में जो उसके साथ संज्ञा पद होता है उसके बाद में चला जाता है। जैसे आपके सामने अभी इस वीडियो में नोट्स भी आ रहे होंगे तो आप देख रहे हैं, पहला उदाहरण लिखा हुआ उपकृष्णम। उपकृष्णम में उप जो है अव्यय है और कृष्ण जो शब्द है वो संज्ञा है। जब इसका विग्रह आप देख रहे हैं तो सामने देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि उप जो है जिसका अर्थ होता है समीप। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ, अव्यभाव समास को समझने के लिए जो भी हमारे पाठ्यक्रम में अव्यय समाहित होते हैं उनका अर्थ जरूर हमें ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। देखिए उपकृष्णम, उप जो है अव्यय, इसका अर्थ होता है समीप। अब ये जिस भी संज्ञा के साथ जुड़ेगा तो उसका विग्रह करते समय हमें उप के स्थान पर समीप अर्थ लेना पड़ेगा। जैसे उपकृष्णम जो शब्द है इसको अलग करके लिखते हैं, विग्रह करके लिखते हैं, अलग अलग पृथक पृथक करते हैं, तो यहाँ हमारा हिंदी एक अर्थ निकलता है। उप को मानते हैं समीप, तो क्या अर्थ निकलेगा? कृष्ण के पास। कृष्ण के पास हो गया तो संज्ञा के साथ काके की लग गया, तो काके की लगने की वजह से हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उपपद जब होते हैं, अब ये एक साथ जुड़ा हुआ है। तो कल हमने नोट्स में लिखा भी था कि भाई अव्यभाव समास जो है उसका समस्त पद जब होता है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, जैसे उपकृष्णम है। लेकिन अलग किया तो दो पद अलग अलग हो गए तो उपपद, और उपपद जब होता है तो उसमें विभक्ति का प्रयोग हमें करना ही पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? कृष्णस्य, षष्ठी का एक वचन बना देंगे, कृष्ण एक है इसलिए एक वचन, कृष्णस्य समीपम, ठीक है। उपगंगम, ये कल भी हमने देखा था, उपगंगम यानी गंगा जो शब्द है मूल, और गंगा का जब हम लोग षष्ठी का एक वचन बनाएंगे अकारांत स्त्रीलिंग के रूप में तो गंगाया, या के बाद विसर्ग, पंचमी और षष्ठी सेम होती है, गंगाया, ठीक है, और उप के स्थान पर समीप अर्थ आ ही जाएगा, गंगाया समीपम। उपविद्यालयम, तो उपविद्यालयम का क्या करेंगे बेटा? समीप अर्थ आएगा उप का, और विद्यालय के पास, तो एक विद्यालय की बात करेंगे तो विद्यालय से समीपम, ठीक है। इसी तरह से अगला अव्यय जो है हमारा अनु, जिसको योग्यता अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, योग्य अर्थ में आपके सामने लिखा हुआ है योग्यता अर्थे, तो उदाहरण आता है अनुरूपम, ठीक है। योग्य अर्थ होगा रूपस्य योग्यम, अनुरूपम। अब अनु का जो अर्थ है वो योग्य अर्थ है, तो इसका विग्रह जब कर रहे हैं तो अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है और वो बाद में चला जाता है। प्रति विप्सा अर्थे, विप्सा कहते हैं बार बार के लिए, बार बार के अर्थ में जो किसी भी के शब्द के साथ प्रति जुड़ेगा तो वो जो संज्ञा शब्द जो होगा वो बार बार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, लगभग दो बार। तो प्रति दिनम, दिनम दिनम प्रति आपके सामने लिखा हुआ है, तो प्रति जो है वो हूबहू चला जाता है पीछे, लेकिन जिस
संज्ञा के साथ जुड़ा है उसको दो बार यानी बार बार वो रिपीट करता है। इसी तरह से प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रतिवनम वनम वनम प्रति, प्रति नगरम 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 प्रति, ठीक है, जिसके साथ भी प्रति जुड़ेगा विप्सा अर्थ उसका हो जाएगा, और विप्सा का अर्थ होता है बार बार, ठीक है। अगला अव्यय जो है हमारा निर, और निर जो है वो अभाव अर्थ में प्रयोग होता है, अभावार्थी, अभाव यानी जिस भी संज्ञा शब्द के साथ निर जुड़ेगा तो वो संज्ञा शब्द अभाव के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे निर्मक्षिकम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, जैसे भी आप प्रयोग करना चाहें, यहाँ एक मक्खी की बात नहीं होगी, एक मक्खी का अभाव नहीं है, बहुत सारी मक्खियाँ होंगी, तो बहुत सारी मक्खियाँ होने की वजह से षष्ठी का बहुवचन, मक्खियों का अभाव, तो मक्षिकाणाम षष्ठी का बहुवचन, मक्षिकाणाम अभाव। निर्जलम जलस्य अभाव, जल का अभाव, ठीक है। अब जल, सूर्य, चंद्रमा, ये सब एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं बेटा, ठीक है, जल को हम बहुवचन में प्रयोग नहीं करेंगे, तो जलस्य अभाव। निर्जनम, हाँ लोग बहुत सारे हो सकते हैं, बहुवचन हो सकता है, तो निर लग गया है तो अभाव अर्थ हो गया। जनानाम अभाव है। इसी तरह से यथा, एक हमारा अव्यय आता है यथा, जिसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा में अनतिक्रम में, और अनतिक्रम में जो शब्द है उसको हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं के अनुसार, यानी यथा जिसके साथ जुड़ेगा उसका उस शब्द के साथ जुड़ करके के अनुसार अर्थ उसका लेके आता है। लेकिन संस्कृत में विग्रह करेंगे तो संस्कृत भाषा में हमें शब्द प्रयोग करना पड़ेगा के अनुसार के लिए अनतिक्रम में, ठीक है, तो लिखेंगे यथा बलम, बलम अनतिक्रम में, बल के अनुसार, ठीक है। यथा रूपम, रूपम अनतिक्रम में, और यथा शक्तिम, शक्तिम अनति क्रम में, समझ में आ रहा होगा। तो अविभाव समास के अंतर्गत हमने उप, अनु, प्रति, निर और यथा, यानी हमने छह अव्यय देखे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। तो कम से कम इन छह अव्ययों को का अर्थ हमें ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि जब हम विग्रह करें तो उसके अर्थ को किस तरह से प्रयोग करें। यहाँ यथा का देखते हैं तो अनतिक्रम में प्रयोग हो रहा है, प्रति को देखते हैं तो प्रति स्वयं खुद आ रहा है लेकिन जिस शब्द के साथ जुड़ रहा है उसको दो बार रिपीट कर रहा है, उप का जो है समीप, अनु का जो है पश्चात या योग्य अर्थ के अंदर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान अर्थ की ओर देना पड़ेगा अविभाव समास के लिए। अगला जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा हमने पहले भी देख ली है, फिर देख लीजिए। इसका उत्तर पद जो है यानी दूसरा जो पद होगा, अभी हम देख रहे थे अविभाव, अविभाव में पहला पद प्रधान था लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। आपके सामने लिखा हुआ है तत्पुरुष समासे प्रायेण उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति। तत्पुरुष समास में प्राय लगभग उत्तर पद की जो है प्रधानता होती है, उत्तर पद यानी बाद में प्रयोग किए जाने वाला पद। तत्पुरुष समासे पूर्व पदे या विभक्ति भवति प्रायेण तस्या नामना एव समासस्य अपि नाम भवति। तत्पुरुष समास में पहले पद में जो विभक्ति होती है, कम से कम दो तो पद होंगे, पहले पद में जो विभक्ति होती है लगभग उसी के नाम से तत्पुरुष समास जाना जाता है। तत्पुरुष समास द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होता है। जैसी उसकी पहले पद की विभक्ति होगी वैसे ही उस समास को हम तत्पुरुष मानेंगे। पहला उदाहरण लिखा हुआ है कृष्णाश्रित, तो पहला शब्द कृष्ण और दूसरा है आश्रित, ठीक है। तो यहाँ जब हम करेंगे कृष्णम श्रित है, कृष्णम आश्रित है का, तो यहाँ द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्राम गत है, गांव गया, गांव को गया, तो यहाँ पर भी ग्रामम गत है द्वितीय तत्पुरुष। हरित्राते, हरित्राते यानी हरि से डरना, तो हरिणा त्राते तृतीय तत्पुरुष। भूतबलि, भूतेभ्य बलि चतुर्थी तत्पुरुष। चोर भयम, चोरात भयम
पंचमी तत्पुरुष, राज पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष और अक्ष सोंड है, अक्षेषु सोंड है, सप्तमी तत्पुरुष। यानी प्रथम पद में जो विभक्ति है उसी विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास जाना जाता है। तो आज हमने अव्यभाव और तत्पुरुष समास दोनों को कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि आपके पास आज के वीडियो में आपके साथ नोट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं और वीडियो भी आपको देखने को मिली, तो इस नोट्स के आधार पर आप भी अपने गृह कार्य में नोट्स तैयार करेंगे। बाकी जो भाग समास के हमारे बचे हुए हैं शेष, उनको हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।